आज प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने एक नई सौगात प्रदान की है। करनाल में एआरटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले एचआईवी के मरीजों को अपनी दवा लेने के लिए रोहतक जाना पड़ता था, लेकिन करनाल में यह सेंटर खुल जाने के बाद अब करनाल के मरीजों को इसी सेंटर के माध्यम से दवा और उपचार मिल सकेगा। करनाल में मौजूदा समय में करीब 500 से अधिक एचआईवी से पीड़ित मरीज हैं, जिन्हें अपनी दवा और उपचार के लिए समय समय पर रोहतक जाना पड़ता था। उनकी आने जाने की यह समस्या अब खत्म हो गई है। इसके अलावा एड्स जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिनके माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। एड्स के मरीजों के लिए पेंशन का भी प्रावधान रखा गया है, जो कि गेम चेंजर का काम करेगी। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इसमें मौजूद हूं करनाल के सामान्य अस्पताल में, जहां पर आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री व गृह मंत्री के द्वारा करनाल को एक बेहतर सौगात दी गई है। एआरटी सेंटर का यहां पर उद्घाटन किया गया। इससे पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसका लाभ आने वाले दिनों में आम जनता को मिलेगा। मलेरिया से बचाव के लिए उन्होंने 2022 तक का लक्ष्य रख दिया, जबकि एड्स जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रख दिया। अब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आज करनाल में एआरटी सेंटर खुल गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज करनाल डिस्ट्रिक्ट के लिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने करकमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज एआरटी सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन किया है, और बहुत बड़ी सौगात एक हमें सिविल हॉस्पिटल में और डिस्ट्रिक्ट करनाल को इसके द्वारा मिली है कि हमारे लगभग 525 पेशेंट्स जो अभी ट्रीटमेंट के लिए और फॉलोअप के लिए लगातार बहु पीजीआईएमएस रोहतक जाते थे, अब उनको वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। सभी प्रकार की ट्रीटमेंट जो है वो इस एआरटी सेंटर पे उपलब्ध होगी, और इसके अतिरिक्त जो कोई उनको बार बार कोई इन्फेक्शंस होती हैं, सुपर इन्फेक्शंस होती हैं, वो भी सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी लोकल इस एआरटी सेंटर में ही ट्रीटमेंट उनकी दी जाएगी। इस एआरटी सेंटर में हमने सारा स्टाफ जो है वो रिक्रूट कर दिया है, और जल्दी ही इसकी पूरी ट्रेनिंग्स उनकी करवा के और इसको पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया जाएगा। सारी मुफ्त मिलेंगी? बिल्कुल, पूरे लाइफ लॉन्ग उनको मेडिसिन चलती है और बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जैसे जैसे आगे इनकी ट्रेनिंग्स होगी और इक्विपमेंट आएगा, जो CD4 सेल काउंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक उसके लिए HIV के पेशेंट्स के लिए इन्वेस्टिगेशन है, वो भी इस सेंटर पे आगे शुरू कर दी जाएगी। सर, पहले जहाँ तक मेरी जानकारी है ये बताया गया था कि जहाँ जब बॉडी में CD4 सेल 350 से 400 रह जाते हैं, तब उसको उसके बाद पेशेंट को ART पर डाला जाता है। क्या अभी भी वही प्रावधान है या चेंज कर दिया गया? नहीं, वही है, लेकिन जो अभी CD4 काउंट का जो है वो इस सेंटर पे अभी उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद जैसे इक्विपमेंट आएगा यहाँ पे वो भी सुविधा शुरू हो जाएगी। सर, एक HIV पेशेंट को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी तक पहुँचने के लिए कितना समय लग जाता है, अगर वो दवाइयों को लेकर प्रॉपर रहता है, और दवाइयों और अपने खान पीन को लेकर और दवाइयों को लेकर वो ठीक नहीं? अगर पेशेंट पूरी ट्रीटमेंट अपनी लेता है तो उसको फुल ब्लोन एड्स होने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन यही है कि अपनी रेगुलर ट्रीटमेंट वो लेता रहे, अपना रेगुलर टेस्ट करवाता रहे, तो बिल्कुल पेशेंट ठीक भी रहते हैं। सारी सर, इस बीमारी में लोग ना आए, इस बीमारी की पकड़ में ना आए, उसके लिए आप आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो डिफरेंट काउंसलर्स हैं और हमारी आउटरीच टीम्स हैं, वो जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे ये केसेस ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ पे रेगुलरली जाके उनकी काउंसलिंग भी करते रहते हैं, हमारी रेगुलर टेस्टिंग भी होती है। तो जो सबसे कॉमन जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है उसके कारण, और जो IV इंजेक्शंस जो इंट्रावीनस इंजेक्शन ड्रग अब्यूज़ के कारण लगाए जाते हैं, उनमें जो कॉमनली एक तरीका है जिससे ये ट्रांसमिट होता है, तो उनके लिए जागरूकता और बढ़ाई जा रही है, और जहाँ वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए वहाँ जाके हमारे काउंसलर्स प्रॉपर उनको काउंसिल भी करते हैं और उनके टेस्टिंग भी करते हैं। सर, जैसे इन पेशेंट्स के लिए भी मंत्री साहब ने कहा कि पेंशन का प्रावधान भी है, तो एक बड़ा गेम चेंजर के रूप में वो काम आगे आ सकता है? बिल्कुल, बहुत बड़ा माइलस्टोन अगेन हरियाणा में इस ये होगा, और जैसे ही इसका लॉन्च होगा तो सभी जो इतने हमारे पेशेंट्स विद HIV हैं उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी अपने रहन सहन के लिए बहुत बड़ा उनके लिए लाभदायक होगा। वो देखिए, मैम आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस दिन के बारे में? आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि जो HIV के पेशेंट्स, जिनको कि टाइम टू टाइम
रोहतक जाना पड़ता था अपनी CD4 काउंट के लिए, या कोई बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी उसके ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था, अब उन्हें वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। सभी इलाज जाँच जो होगी यहीं पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। किसी तरह कोई शुल्क या कोई, अगर कोई भी पेशेंट जो इस तरह की बीमारी से ग्रस्त पाया जाता है, उनका नाम या पता गुप्त रखा जाता है? बिल्कुल, ये जो है इनका नाम पता सब गोपनीय रखा जाता है, किसी को हम इसका इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आमतौर पर ऐसे मरीजों को सोशल स्टिग्मा का शिकार होना पड़ता है, लोग उनके साथ ऐसा बिहेव ना करें, उनके साथ भेदभाव ना करें, इसके लिए आपके आम जनता से क्या अपील करना है? मैं आम जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि ये बीमारी छूने से या हाथ मिलाने से या कपड़े एक दूसरे के पहनने से नहीं फैलती है। इसके फैलने के 3-4 कारण हैं और इन लोगों को भी हमारे प्यार की, देखभाल की और सपोर्ट की ज़रूरत है, और इनको भी सोसाइटी में रहने का पूरा हक है और अपने सारे जो उनके जो हक हैं उनको मिलने चाहिए। तो लोगों से यही अपील है कि उन सोसाइटी में रहकर ही उनका इलाज करवाएं और उनके साथ रहें। मैं आपको बता दूं कि ये थे मेरे साथ करनाल का सिविल सर्जन और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा के साथ, डॉक्टर से भी थे डिप्टी सिविल सर्जन, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से यह बीमारी फैलती है और जिस तरह से यहाँ पर करनाल में ART सेंटर खुला है, इससे इस बीमारी से जो भी ग्रस्त मरीज हैं उनको अब दूर इलाकों में, दूसरे इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, उनका करनाल में उनको सब कुछ मिल पाएगा। दवाइयाँ यहाँ पर निःशुल्क होंगी, काउंसलिंग यहाँ पर निःशुल्क होगी, इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी, जो भी उनके टेस्टिंग वगैरह होंगे, वो सारे के सारे निःशुल्क होंगे। यह करनाल को आज एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। इसके अलावा हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया, उसका आने वाले समय में आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मैं तरुण मुदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।